सुमेंद्र मौर्य चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलती रहे। दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में शेयर करना चाहते हैं तो आप उसे कैसे करेंगे, तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा। होता क्या है, अगर आपको कोई भी मूवी वीडियोज़ या फोटो या कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको अपने मोबाइल से कंप्यूटर में देखना होता है तो उसके लिए या तो आपको एक डाटा केबल की जरूरत होती है या पेन ड्राइव या कार्ड रीडर, इसकी मदद से ही आप कोई भी डाटा अपने मोबाइल से कॉपी करके अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में करते हैं तो उसके बाद ही आप उसको देख पाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी भी डाटा को बगैर कॉपी किए या कंप्यूटर में डाले ही आप डायरेक्ट अपने मोबाइल से कंप्यूटर या लैपटॉप में देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सिर्फ आपको एक सेम वाईफाई कनेक्शन की जरूरत होगी जिसके जरिए आप डायरेक्टली अपना कोई भी डाटा हो, चाहे आप मूवी हो, फोटो हो या किसी भी ऐसे फाइल हो जिसको आप डायरेक्टली देखना चाहते हैं तो वो देख पाएंगे। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपके लिए सिर्फ मैं जो बता रहा हूँ आपको वही स्टेप फॉलो करने हैं। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही बहन, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को अगर किसी LED में भी शेयर करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको हमारे ऊपर आई कार्ड में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहाँ से जाकर देख सकते हैं, नहीं तो आपको लास्ट में इंड स्क्रीन में देखने के लिए मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड, मैंने यहाँ पर आपको बताया कि आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन है वो कंप्यूटर या लैपटॉप में कैसे शेयर करेंगे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा, आपका जो मोबाइल है तो उससे पहले आपको अपने कंप्यूटर में जाना है। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाना है और आपको यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ, आप विंडो 10 के अलावा किसी भी विंडोज़ में आप इसका यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी अलग सेटिंग नहीं है, आप सेम तरीके से ही आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा, आपको यहाँ पर स्टार्ट का बटन दिखाई दे रहा है, अगर आप विंडो 10 यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ साइड में कॉर्नर में सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप विंडो 8 यूज करते हैं तो आपको यहाँ कॉर्नर पे आना है और यहाँ से आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। नहीं आपको मिलता है तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, विंडो 7 भी करते हैं तो आपको स्टार्ट में जाके ही ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन आपको इन चीज़ों में से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको नीचे सर्च बार का ऑप्शन आता है या रन का ऑप्शन आता है, कंट्रोल आर दबा के आप डायरेक्टली वहाँ से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है कंट्रोल पैनल। तो जब आप कंट्रोल पैनल टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे तो एंटर करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो कंट्रोल पैनल की सारी सेटिंग है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको कैटेगरी में जाना है और यहाँ पर आपको लार्ज स्मॉल आइकन जैसे चाहते हैं सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्मॉल कर देता हूँ और अगर आपको लगता है यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही तो आप लार्ज भी सेट कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारी सेटिंग है, तो यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने सिस्टम की सेटिंग दिख रहा है तो आपको यहाँ पर आना है। लेकिन आपको इस तरह से नहीं जा पा रहे हैं तो आप डायरेक्टली क्या करना है, आपको यहाँ पर स्टार्ट में जाना है। स्टार्ट में जाने के बाद विंडो 10 में जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पर डायरेक्टली सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप इस तरह से विंडोज़ सेटिंग के ऑप्शन में आ जाएंगे। आप वैसे भी जा सकते हैं, लेकिन आप ऐसे आ सकते हैं तो ऐसे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सिस्टम की सेटिंग में जाना है और सिस्टम की सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन खुल जाएंगे। तो आपको थोड़ा नीचे आना है, स्क्रॉल कर सकते हैं, साइड से ऑप्शन है इस तरह से आपको स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पर आपको प्रोजेक्टिंग ऑफ दिस PC तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है और साइड में यहाँ पर इससे रिलेटिव सारी सेटिंग खुल जाएगी। और आपको करना क्या है, यहाँ तो आपको यहाँ पर दो तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो फर्स्ट में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इस पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है अवेलेबल एवरीवेयर ऑन सिक्योर नेटवर्क, तो आपको इसकी जगह चेंज करना है और आपको यहाँ पर कर देना है अवेलेबल एवरीवेयर। तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको सेकेंड ऑप्शन में जाना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है एवरी टाइम ए कनेक्शन इज रिक्वेस्टेड, तो यहाँ पर आपको इसको चेंज करके यहाँ पर आपको कर देना है फर्स्ट टाइम ओनली। और नीचे जैसे कि ऑलवेज दे रखा है तो आपको यहाँ पर नेवर कर देना है। और यहाँ पर आपको नीचे की साइड में थोड़ा सा और भी लगा, तो जैसे कि यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, जो PC नेम है आपको ये नेम ध्यान रखना है, जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए यही डिस्प्ले आपके मोबाइल में करेगा। तो अगर आप यहाँ पर जैसे कि नेवर मैंने सेट किया, अगर आप यहाँ पर कोई पिन वगैरह देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पिन मांगेगा, जैसे यहाँ पर रिक्वेस्ट पिन फॉर पेयरिंग, अगर आप यहाँ पर ऑलवे कर देते हैं तो हमेशा ही मांगेगा या फर्स्ट टाइम करेंगे तो फर्स्ट टाइम, तो मैंने अभी नेवर कर दिया आपको सिखाने के लिए, आप अपने अनुसार यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं वहाँ से आप कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल ले लेना है, अगर आपके मोबाइल में यहाँ पर स्क्रीन मिरर का ऑप्शन है तो आपको किसी भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है आपके मोबाइल में तो आप डायरेक्ट स्क्रीन मिरर या कार्ड जैसी एप्लीकेशन को यहाँ से गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहाँ से जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इस फ़ोन में अवेलेबल है,
तो इसके लिए आपको डायरेक्टली सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आपको जाने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। जैसे कि तो आपको यहाँ पर क्या करना है, वाईफाई डिस्प्ले नेटवर्क। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है वाईफाई डिस्प्ले का ऑप्शन, तो आपको इसे ऑन कर देना है। तो यहाँ पर मैंने इसे ऑन कर दिया है और यहाँ पर इसको जाके फिर से एक बार कर देना है, तो यहाँ पर वाईफाई ऑन हो जाएगा। तो इसे ऑन करने के बाद आपको बैक आ जाना है। फ्रेंड, आपको यहाँ पर वाईफाई डिस्प्ले का ऑप्शन ऑन कर देना है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पर डिवाइस लिस्ट का। तो ये स्कैन होने के बाद आपका जो डिवाइस है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा वेट करना है आपको। तो यहाँ पर आप डिवाइस लिस्ट में देख रहे हैं जो कि अभी स्कैन हुआ है और यहाँ पर आपके कंप्यूटर का नाम आ गया। तो आपको कंप्यूटर का, जैसे मैंने नाम बताया था, आपको यहाँ पर याद रखना है। आपका नाम यहाँ पर डायरेक्टली आ जाएगा और आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कनेक्टिंग मांगेगा और कनेक्टिंग के बाद आपको थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, यहाँ पर फ्यू टाइम लेगा। और इसके बाद आप मेरे कंप्यूटर पर देख रहे हैं, वहाँ पर कुछ ऑप्शन अपने आप ऑटोमेटिक हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मेरी मोबाइल की स्क्रीन है, सेम आपको मेरे कंप्यूटर या लैपटॉप पे आप जैसे कि देख रहे हैं उस पर आपको दिख जाएगी। तो यहाँ पर जैसे कि मैं अपने मोबाइल में कुछ भी यहाँ पर ऑपरेट करूँगा तो आपको सेम मेरे कंप्यूटर पे भी दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैंने इसे मिनिमाइज़ किया है और यहाँ पर आपको सेम दिख रहा है जैसे कि मेरे मोबाइल में आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं कुछ भी यहाँ पर जैसे कि खोलता हूँ, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ किसी भी एक एप्लीकेशन को खोल के देख लेता हूँ कि ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर फाइल मैनेजर ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैंने फाइल मैनेजर ओपन कर लिया है और आप देखेंगे सेम जैसे कि मैंने फ़ोन में खोल रखा है वहाँ भी खोल रखा है। आप जैसे ही अपने मोबाइल में आप ऑपरेट कर रहे हैं सेम आपको वहाँ पर दिखाई देगा। तो इसी तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको कुछ इंटरनेट पर सर्च करना है तो आप वो भी सेम सर्च कर सकते हैं। उसके लिए आपको इंटरनेट अपना ओपन कर लेना है और आप कुछ भी सर्च करना चाहते हैं, जैसे कि आप गूगल बार दिख रहा है आपको, तो आप वहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे तो आप भी कुछ सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ भी सर्च कर लिया है, तो इस तरह से आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो इस तरह से आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो जो भी सर्च करके आप कोई भी चीज़ें हैं वह कर सकते हैं। अगर आप कोई वीडियोज़ फ़ोटो वगैरह चलाना चाहते हैं वो भी आप चला सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कोई वीडियो दिखा देता हूँ यहाँ पर चला के, इसी तरह से आप मूवी हो या कुछ भी हो उसको डायरेक्टली वहाँ पर देख पाएंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक अपना चला देता हूँ यहाँ पर वीडियो, तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो यहाँ पर प्ले कर दिया है और आपको इस तरह से यहाँ पर करना है। तो सेम आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर चल रहा है। तो सेम वीडियो यहाँ पर आप प्ले कर सकते हैं, कोई भी वीडियो को अपना जैसा भी चाहें, और उसको यहाँ पर डायरेक्टली देख सकते हैं, चाहे मूवी हो कुछ भी। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे बैक कर दिया है। अब आपको मैं फ़ोटो वगैरह दिखा देता हूँ कि आप किस तरह से यहाँ पर उसे देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना जो भी फ़ोटो है आप देखना चाहते हैं उसे डायरेक्टली यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर कोई फ़ोटो कर दिया है और उसे इस तरह से मैंने ओपन किया है, तो यहाँ पर आपको फ़ोटो वगैरह दिख रहा है। तो आप कितने भी फ़ोटो चाहें एक साथ देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से आपको सारे फ़ोटो दिख जाएंगे। तो इसी तरह से आप कोई भी डाटा है, चाहे डॉक्यूमेंट है, आपकी कोई भी फाइल है, तो आप फाइल मैनेजर से डायरेक्ट वहाँ पर जाके देख सकते हैं। जैसे अभी मैंने फाइल मैनेजर आपको दिखाया था, आप यहाँ पर जाके कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल है, जिप फाइल है, जो भी है, सब आप यहां से डायरेक्टली अपने आप देख पाएंगे। तो यहां पर मैं इसे कोई पीडीएफ फाइल ओपन कर ले रहा हूं और वो आपको दिखा देता हूं कि वर्क कर रही नहीं कर रही। तो इस तरह से आप कोई भी अपने डाटा को स्क्रीन शेयर करके यहां पर देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यहां पर डेस्कटॉप मोड चाहते हैं, तो आपको नीचे से अपने मोबाइल में जाना है यहाँ पर, या ऊपर से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रोटेशन लॉक है उसको हटा देंगे तो आपकी स्क्रीन है इस तरह से रोटेट हो जाएगी, आप उसे फुल डिस्प्ले में अपने कंप्यूटर पर देख सकते हैं। इस तरह से आप कुछ भी अपने मोबाइल का डाटा अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर शेयर कर सकते हैं और नॉर्मली आप उसे देख पाएंगे। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपको अगर यूजफुल लगा हो और पसंद आया हो तो प्लीज़ पहले हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, नीचे कमेंट बॉक्स दे रखा है, वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।